सिपाही से शराब माफिया बना 10,000 का इनामी भूपेंद्र सिंह राजस्थान से गिरफ्तार, 2 महीने से था फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिपाही से शराब माफिया बने 10,000 के इनामी भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या नगर इलाके में 22 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे शराब दुकान खुली मिलने पर डायल 100 के सिपाही कमल ने एतराज जताया था। तब दुकान के कर्मचारी अजीत दुबे, सचिन सांडले और अमित पांडे ने कमल पर डंडे से जानलेवा हमला करते हुए पुलिस वैन में भी तोड़फोड़ कर दी थी। इस मामले में सचिन और अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ में पता चला था कि पुलिस पर हमला शराब दुकान में भागीदार भूपेंद्र सिंह सेंगर के इशारे पर किया गया था। पुलिस तभी से इस मामले में उसकी तलाश कर रही थी। फरार भूपेंद्र और अमित पांडे पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच ने भूपेंद्र को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। वे क्राइम ब्रांच भोपाल का बर्खास्त सिपाही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच सुरत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि पुलिस में रहने के दौरान 45 वर्षीय भूपेंद्र ने संजीव नगर पुलिस कॉलोनी में मकान बना लिया था। वह मूलतः ग्राम बडेरा, जिला इटावा, तहसील औरैया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस पर हमले के मास्टरमाइंड के रूप में नाम सामने के आने के बाद से वह फरार हो गया था। इनाम घोषित करने के साथ ही पुलिस उसके हर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इस मामले में अमित पांडे की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। 7 कॉलोनियों की खाक छान कर किया गिरफ्तार। एडीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र चौहान ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार भूपेंद्र की तलाश कर रही थी। पिछले दिनों उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया था। भिवंडी राजस्थान में पुलिस ने 2 दिन के अंदर 7 कॉलोनियों के लगभग 1,000 मकानों की सर्चिंग करते हुए अंततः भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। भूपेंद्र पहले क्राइम ब्रांच में सिपाही के पद पर रह चुका था। घोर लापरवाही के मामलों में लिप्त पाए जाने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद वह शराब के धंधे में शामिल हो गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।